थिंग इज दैट सपोज आई हैव सीन लॉट ऑफ किड्स टेकिंग अप इंजीनियरिंग बिकॉज देयर फ्रेंड्स आर डूइंग इट. डूइंग एमबीए कैट के लिए अपियर कर रहा है बिकॉज देयर फ्रेंड्स आर डूइंग इट. नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इफ यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट, यू गोना फील लो अगेन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन मैथ्स क्लास. आई न्यू दैट आई लिसन टू एवरीबडी एंड आई थॉट दैट इट्स कूल टू टेक साइंस. आई वॉज इन मैथ्स क्लास, आई टुक साइंस इन 11th एंड माई फ्रेंड्स वर डूइंग इट, माई फैमिली वॉन्टेड इट, I also wanted it, but I didn't realize that I didn't have the aptitude for it. But I still did it. और समझ में आया बाद में तो भी मैंने continue किया. That was a problem. In the class when teacher is teaching maths and asking after that, everybody understood. सब बोल रहे हैं हाँ, मैं पीछे देख रहा हूँ, सबको समझा. फिर किसी को कोई doubt है, सब बोल रहे नहीं कोई doubt नहीं है, and मुझे कुछ भी नहीं समझा. Imagine I used to not go to the classes because कि ये समझा नहीं है, ये मैथ्स का जो भी पढ़ा है अभी होमवर्क दिया है वो तो करूंगा ही नहीं, और नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा तो पिछले वाले का पूछेंगे, उससे अच्छा एक स्किप करके बाद में चले जाएंगे. तो आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है, और या आप सेल्फ अवेयर नहीं, आपको पता नहीं है कि ये मेरा एप्टीट्यूड नहीं है. दोस्तों का देख के, परिवार का देख के, ट्रेंड देख के आपने कर लिया, बट एप्टीट्यूड नहीं है तो भैया कैट एग्जाम क्लियर ही नहीं करोगे. I have not given CET after attending CET classes after 12 because I knew it can even if I attend it's not my thing and just because सब लोग बोल रहे हैं ये प्रेशर मुझे लाइफ टाइम झेलना है, नहीं झेलना है, तो एटलीस्ट एक बार बोल के खत्म कर दो. एंड इमेजिन आप मान लीजिए ना कि चलिए दो, अच्छा एक चीज ये है कि फिर अपने आप आपका लो सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा बिकॉज यू माइट ट्राई वेरी हार्ड बट आपसे नहीं होगा. मैं शेर को पेड़ चढ़ना सिखा सकता हूँ बट ही डज नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट. इट्स बेटर कि मंकी पेड़ चढ़े बिकॉज ही हैज द एप्टीट्यूड टू क्लाइंब द ट्रीज, राइट? जबरदस्ती में क्यों मेहनत करूं ऊपर चढ़ने की? सो एंड इमेजिन इवन इफ दैट पर्सन टेक्स टेक साइंस ले लिया उसने या मैथ्स का, मान लीजिए मैं ही अगर मैं कर लेता जैसे तैसे पास भी हो जाता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, जो भी, डू यू थिंक आई वुड हैव बीन द बेस्ट डॉक्टर? नो, आई वुड हैव स्ट्रगल्ड एंड नॉट बीन हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट. सो व्हाट्स द पॉइंट? सो यू नो टिप में ये भी है कि आप जस्ट फाइंड योर एप्टीट्यूड एंड वर्क टुवर्ड्स इट. कुछ और करने जाओगे दुनिया का देख के प्रॉब्लम.